उत्तरी काबुल में मस्जिद में नमाज के दौरान भीषण बम विस्फोट, 12 की मौत और अन्य 20 घायल। अफगानिस्तान पुलिस ने कहा कि उत्तरी काबुल में मस्जिद को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि ईद के दिन मस्जिद में ब्लास्ट की घटना सामने आई है। भीषण ब्लास्ट में कई नमाजियों की मौत हो गई। काबुल में एक मस्जिद के अंदर हुए विस्फोट में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए, जबकि जुमे की नमाज चल रही थी। अफगान पुलिस ने यह जानकारी दी है। एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि मस्जिद का इमाम घायल व्यक्तियों में से एक था। अधिकारियों ने कहा कि बम मस्जिद के अंदर रखा गया था। अभी तक किसी भी समूह ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। काबुल पुलिस के प्रवक्ता फरदवस फराज मर्ज ने बताया कि मस्जिद के भीतर विस्फोटक रखा था। फिलहाल किसी भी संगठन ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। काबुल पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। यह विस्फोट ऐसे वक्त हुआ है जब तालिबान और अफगानिस्तान सरकार ने ईद उल फितर के मद्देनजर 3 दिनों के संघर्ष विराम की घोषणा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी।